हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एपिसोड 2। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू दिस न्यू इन्फॉर्मेटिव सीरीज और कमेंट में अपने सवाल हमें बताने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से लेते हैं आज के टॉप 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है अमित मुकवर से। इन्होंने कमेंट किया है कि मल्टीपल इनवॉइसेस एक ही पीडीएफ फाइल में कैसे जनरेट करें, और आगे ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि जैसे इनवॉइस नंबर 105 से 118 ये सभी एक ही पीडीएफ फाइल में जनरेट करना है तो कैसे होगा। और सेम ही क्वेश्चन हमें एक और व्यूअर लर्न एंड मोटिवेशन से भी आया था। बिल्कुल सिंपल है सर, इसके लिए आप ऊपर कॉर्नर में मौजूद इस छोटे से प्रिंट आइकन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो इनवॉइसेस आपको प्रिंट करने हैं उन्हें इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इस वाले प्रिंट आइकन पर क्लिक करके आप इस तरह से एक ही पीडीएफ में सारे इनवॉइसेस प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर आपको सिर्फ डेस्कटॉप में मिलता है, तो अगर आप मोबाइल वर्जन यूज़ करते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक का इस्तेमाल कर डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो हमें पूछा है अली अशरफ अली जी ने। ये कहते हैं कि हाउ कैन मैनेज मल्टीपल फर्म इन वन बैंक अकाउंट इन व्यापार ऐप। तो अशरफ अली जी, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे तो जितना भी फर्म आपने बनाया है सब में आप एक ही बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप मल्टीपल फर्म में एक बैंक अकाउंट रखना चाहते हैं या फिर मल्टीपल कंपनीज में, क्योंकि एक ही कंपनी में बनाई गई मल्टी फर्म्स का बैंक अकाउंट तो एक हो सकता है। ठीक है, तो मल्टी कंपनीज का बैंक अकाउंट भी आप सेम रख सकते हैं, लेकिन उनका जो डेटा है वो एक जगह नहीं होगा, वो सेपरेट कंपनीज में सेपरेट ही शो होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला जो सवाल हमें आया है वो है मोहित मित्तल जी से। इनका कहना है कि न्यू यूज़र अपना प्रीवियस डेटा कैसे लोड करें। मित्तल साहब, अगर आप भी व्यापार के नए यूज़र हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना डेटा आराम से व्यापार में अपलोड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर ऑल आइटम्स एंड पार्टीज। इसके लिए आपको लेफ्ट मेन्यू में यूटिलिटीज सेक्शन में इम्पोर्ट पार्टीज और इम्पोर्ट आइटम्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप सारी डिटेल्स इम्पोर्ट कर सकते हैं। रही बात ट्रांजैक्शंस की, तो पार्टीज और आइटम्स इंपोर्ट हो जाने के बाद आप अपनी करंट सीक्वेंस से ही व्यापार में बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछा है अविनाश त्रिपाठी जी ने, और वो ये है कि आइटम वाइज प्रॉफिट देखने के लिए क्या करें, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आइटम वाइज प्रॉफिट में परसेंटेज कैसे दिखे। ओके, कि किस प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज मिलता है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, ये तो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको व्यापार में रिपोर्ट सेक्शन के अंदर ऑटो जनरेटेड आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट मिलती है, जहां पर आप हर एक आइटम का प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट आपको परसेंटेज वाइज नहीं मिलती है, आप सिर्फ अमाउंट में प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। बट डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा फीडबैक है और रिक्वायरमेंट है, तो हम इसे हमारी टीम के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगला सवाल पूछा है सिंह राज चौहान जी ने, वो ये है कि हाउ टू चेक मंथ वाइज पेमेंट कलेक्शन। तो चौहान जी, इसमें हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहेंगे कि पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में दो टाइप्स होते हैं, एक जो पेमेंट आपको मिल चुका है और दूसरा कि जो पेमेंट कलेक्शन अभी आना बाकी है, या फिर जो पेमेंट आप बाद में कलेक्ट करते हैं। अब जो पेमेंट आ चुका है वो या तो आपको कैश में आया होगा या फिर बैंक में, तो इसके लिए आप रिपोर्ट्स में कैश फ्लो में जाएं और यहाँ डेट फिल्टर लगाकर आप मल्टी कलेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में आया है तो बैंक स्टेटमेंट में जाएं और यहाँ भी डेट फिल्टर लगाकर आप मल्टी कलेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट्स बाद में कलेक्ट करते हैं, जिनके लिए आप पेमेंट इन की एंट्री बनाते हैं, तो उसके लिए आप रिपोर्ट्स में ऑल ट्रांजैक्शंस में जाएं, यहाँ पर पेमेंट इन का फिल्टर लगा दें, डेट का फिल्टर लगा दें और आपका मंथली कलेक्शन आपके सामने होगा। अब अगर बात करें कि जो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ है उसे कैसे देखो, तो फिर उसके लिए आप ऑल पार्टीज में जाएं, यहाँ आपको रिसीवेबल बैलेंस दिखेगा, यानी वो पैसा जो आपको लेना अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। लेकिन जाते जाते मैं एक कमेंट और लेना चाहूँगी, जो कि हमें आया है मुबारक और स्माइल
सैयद से, जिनका कहना है कि आई एम इन सोमालिया, आई लव दिस ऐप यूजिंग फॉर माई सुपर मार्केट इन मोबाइल सो फार इज इनक्रेडिबल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. एंड सभी यूजर्स और व्यूअर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू फॉर गिविंग अस लॉट्स ऑफ लव. तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में #व्यापार ऐप लिखकर अपना यूनिक सवाल पूछें. हो सकता है अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन पिक हो जाए. वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए. और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैप्पी व्यापारिंग.